सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने बहुत टाइम से कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो उसके लिए मुझे एक अलग टाइम चाहिए था घूमने के लिए, कि सिर्फ मैं उस पर व्लॉग के लिए ध्यान दूंगा। तो अभी हम लोग आए हुए हैं मुंबई। वैसे मुंबई से अभी हम लोग गए थे, बट मैंने फिर सोचा वापस से मुझे व्लॉग्स भी बनाने हैं, क्योंकि अपडेट दो तीन मंथ से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया है। वो अभी हम लोग, पर देखो मुंबई में बारिश तो रुकी नहीं रही है, अभी भी बारिश धीरे धीरे आ रही है, फिर भी हम लोग बाहर निकले, क्योंकि तो अगर घर में रहते फिर पूरा ध्यान हट जाता है, मूड भी वो हो जाता है कि नहीं निकलना ही नहीं है बाहर। तो ये बहुत बार हुआ है, तो इस बार तो नहीं करना है कुछ। तो बारिश अभी हो तो रही है पहले। अभी क्या टाइम क्या हो रहा है? 1:40। हम लोग चार लोग हैं, 1:40। अभी हम लोग पहले यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पहले निकलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं बाहर, तो पहले ऑटो को रोकेंगे। ऑटो इग्नोर कर दिया अब, कोई और ऑटो तो आ नहीं रही है। सो हम लोगों को पता है कि यहाँ से ऑटो नहीं मिलेगी, तो चल के थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, क्योंकि चार रास्ता है वहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे तो कोई आती नहीं है, देखो ये जा रही है सब, लेकिन सबके अंदर कोई ना कोई बैठा है। सो गाइस, आ चुके हैं स्टेशन पर। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ट्रेन में, लोकल में घूमेंगे, क्योंकि सबसे फास्ट जाने का तरीका यही है। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आज, और अभी तो कुछ भी पब्लिक भी नहीं है, फिर भी ये बोल रहा है कि भाई ये बहुत सारी पब्लिक नहीं है। मतलब भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, सल्लू को पता है ना कितनी पब्लिक होती है लोकल में, मतलब ट्रैवल करने वाले बहुत है।
प्रेस करने के लिए हम लोग आ गए स्टारबक्स में। तो देखो ये गया था मेरी कॉफ़ी का ऑर्डर देने, ये क्या नाम लिखा है, और पीछे तो ये भाई ने खुद का नाम लिखवा लिया। देखो दो कॉफ़ी पे स्टारबक्स वालों ने सेम नाम लिख दिया। अभी हम लोग निकल गए यहाँ से, अब जाएंगे वर्सोवा बीच, तो बीच लाइफ। क्या हुआ, जाओगे दादा? अरे वो साइड जाना पड़ेगा, वो साइड से। तो अभी हम लोगों को एक भाई मिले थे, कोई पता नहीं इसके भाई थे वो लोग, वो मतलब एक ही इंसान था, बहुत ही मतलब गोली बोल कर रहा था, रुक ही नहीं रहा था। ये वो इसने पकड़ लिया उसको, तो बोले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो मैं सोचा कैमरा ऑन करने का, बट नहीं किया। फिर अगर दो ऑटो करनी पड़ेगी ना, दो ऑटो मिल गई, चलते बीच पर, बीच लाइव। तो ये पता है मुझे ब्लॉग में इंटरेस्ट इतना नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग ले लेना ना, वो हम लोग ज़्यादा मतलब इतना कुछ वो नहीं कर रहे, बस नॉर्मल जैसे कि मुंबई में मेरे दिन जाते उस हिसाब से मुझे ब्लॉग बनाना था कि कहाँ पे क्या होता है, वो रहे ना वो लोग आगे। तो अभी हम लोग आ गए बीच पे, अब कुछ वीडियोस बनाएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे, फिर उसके बाद वही भूख लग रही है, बट पहले वीडियोज़ फ़ोटोज़, उसके बाद कुछ खाएंगे। किधर है तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को हमारा सूट। सो गाइस ये पैर गंदे होने ही वाले, तो जूते जब जब मैं बीच पे आता हूँ मेरे जूते ख़राब ही होते। ये देखो, नो टेंशन भाई, जूते गंदे होंगे तो क्या होगा, 80,000 के शूज़ है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। तो गाइस ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी सिर्फ हम लोग ही है बीच पे, देखो कोई नहीं है। उस दिन हम लोग आए थे संडे के दिन, मतलब पूरा पैक था, पूरा पैक। तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कभी आना होगा तो ये ऐसा ही कुछ कि जिस दिन ना हो या कम लोग हो, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं, सिर्फ हम लोग है। देखो हेल्प कर रहा हूँ, बोलो मैं वीडियो नहीं बनाता तो मैं क्या करूँ। सो गाइस क्या कर रहा है ये ओ भाई, सोएब के मुंह पे मार, तेरी मोहब्बत गई भाई, गले तो नहीं भाई, भाई भाई वाइट है, वाइट है, वाइट है इसके, वाइट के चक्कर में पानी वो पहन रख दिया। ला फोन दे, तो लोग बंदा दिख नहीं रहा, हम गरीब क्या हुआ है, सारी दुनिया बदमाश है। ए आ मेरी जान, देख ले सबसे महंगा फोन ले, पाने में कौन सा है भाई, 17 प्रो मैक्स, कोई क्या फ्यूचर है, लाओ भाई लगा दो मेरे बाल में। अपने जूते गंदे कर दिए इसने, स्पाइडर वेक्स। हाँ गाइस, और एक और बात कि सॉरी मैं एक्टिव नहीं था, वो उसके पीछे कुछ रीज़न था, क्योंकि मैं बाहर जहाँ जा रहा था वहाँ पर एकदम समझ लो बहुत आलसी इंसान हूँ मैं, बहुत मतलब मुझे बाहर जाने का ही दिल नहीं करता है। अब मैं फिर मैंने सोचा कि नहीं, हटिया हटिया कि मैंने सोचा कि बाहर जाता हूँ सिर्फ ब्लॉग्स के लिए, तो अभी 2-3 ब्लॉग्स और मैं बना लूँगा जो ड्राफ्ट में रहेंगे, तो उसके लिए ये बोलना था, सॉरी इनएक्टिव था उसके वजह से। तो अब आएंगे
हम घूमेंगे हर जगह आपके लिए, सब एक्सप्लोर करेंगे। नहीं आ रहा है भाई। गाइस आप लोगों के लिए क्या लिखा है बताना। मुफ्ती सैम, तेरे से नहीं पूछा, इधर दिखा। सो गाइस एक और चीज जो आप लोग नहीं करते है वो है सब्सक्राइब। तो अब तो कर दो, मैं ऐसे ही लिख के छोड़ के आ गया। जो देखेगा वो सोचेगा क्या चीज़ सब्सक्राइब करने का बोले, लेकिन आप लोग ने देखा तो आप लोग करो सब्सक्राइब और अपने सारे फ्रेंड्स लोग में शेयर करो, लाइक करो, और तो क्या ही बोल सकता। और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, इंस्टा पे बहुत कम, लेकिन यूट्यूब पे मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ और उस पर रिप्लाई भी देता हूँ। तो कर दो बस। मेरा सूट डन, फोटोज भी हो गए, वीडियोस भी निकाल लिए, अब चलेंगे हम घर पे। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं बीच से, हमारा सारा सूट वूट हो गया है। अब पहले कुछ, अभी हम लोग यहाँ से तो स्टेशन जा रहे हैं, तो स्टेशन पे पहले कुछ खाना वाना खाएंगे। भूख लगी है भाई? बहुत जमकी। जमकी क्या होता है? जमकी, जमकी खाने का ऐसा ही बोलते हैं। तो पहले हम लोग कुछ खाना खाएंगे, जम की खाना वाना खाएंगे, फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो मैं घर जाके ब्लॉग एंड करूँगा। मतलब मुंबई की तीन चीज़ें जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक है। हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर, और सल्लू और वो सेजान अलग साइड है। पहले भूख लगी है, हम लोग खाएंगे। क्या भाई कैसे खाते हैं? जम के खाएंगे। सो देखो भाई ये आ गया। क्या क्या खाना आया था भाई तू? जम की खाना आया था। तू जम की खाना है। जम की। तेज भूख लगी है। तेज कहाँ से आ गया? जम की भूख लगी है। खाने में बर्गर खाएंगे। अब तुम देखना सिर्फ हम चार लोगों के बीच में कितने बर्गर आते हैं। दिखाता हूँ जमकी कैसे खाते हैं। खाना हो गया ओवर, हम सब लोग उठ चुके हैं। ये अभी भी जम के खा रहा है। जम के खा लिया तुमने भाई? जम के खाए। अब पानी पियेंगे बाहर जाके। इसको भाई को अभी याद आ रहा है कि स्टारबक्स में बैग छूट गया है। अब स्टारबक्स के बाद हम लोग कितना घूमे, अब जाके इसको याद आ रहा है। जाएगा वापस लेना? जाऊंगा भाई, बहुत सारा सामान है उसके अंदर।
कैश पैसे भी रखे थे, 20 लाख का चेक भी था। ये हमेशा अपने अपने अपनी हर चीज भूल जाता है ना। इसको दे रहा था ना, तूने मेरे को नहीं दिया, एक भी बार नहीं दिया। देखो वीडियो शूट करके आते वायरल हो जाएगी। 100 रुपए के तो पेपर भी कर लेता हूं, पेपर भी नहीं उसके अंदर। तो पेपर पेपर लेने आऊंगा मैं, तो पेपर लेके आएंगे भाई, अपने घर पे लेके आइए भाई। मेन क्या है, चार्जर है। मैं पेपर है, मैं मेन चार्जर है। जा जा जा, तुम दोनों जाके लेके आओ, ठीक है। हमको जहाँ जाना था वहाँ की ट्रेन मैंने दिखाई आप लोगों को, पूरी मतलब पूरी पैर रखने की जगह, अंदर जाने नहीं दे रहे सब लोग, मतलब गेट तक भी पूरी पब्लिक ही भरी पड़ी है। तो हमने फिर सोचा आप ऑटो से जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक भी इतना होगा, फिर भी हम लोग मैनेज करके ऑटो से जाएंगे। ये होता है मुंबई में स्ट्रगल। हाँ, जो सल्लू बैग छोड़ के आया था, तो वो और शेजान दोनों बैग लेने गए, हम दोनों यहाँ से घर जाएंगे अभी। उन लोग को मेरे को लग रहा है उनको आते आते 10 बज जाएंगे। सिर्फ बैग में कुछ नहीं था, सिर्फ चार्जर मेन चीज़ है और हेयर ड्रायर था और शूज़ तो छोड़ो, बट सिर्फ मेन उसके लिए चार्जर था और हेयर ड्रायर था, बस वो दोनों के लिए वो लोग लेने गए। मतलब कल भी जाते तो मिल जाता, स्टारबक्स में ही छूट गया, बट रिस्क नहीं लेना, इसलिए वो दोनों गए। अब हम दोनों घर जाके मैं ब्लॉग एडिटिंग करने बैठ जाऊँगा और ये ऐसे ही घूमेगा, मतलब कुछ भी करेगा, फोन चलाएगा। तो यही, तो अभी घर जाके मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, तब तक के लिए चलो आप देखो सफ़र हमारा कैसे जाता है, ट्रैफिक कितना है। हमको ऑटो मिल गई, सब ऑटो वाले ना बोल रहे थे यहाँ से, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग है जाने के लिए, सब ना बोल रहे थे। बस में एक अंकल ने हाँ बोल दिया, सब ऑटो सब भाई ऑटो मिली, वो भी पंचर हो गई पंचर है, बदलना पड़ेगा जाने, तो टायर पंचर हो गया उसका। सब ऑटो वाले ना ही बोलेंगे सुनना। अभी फाइनली आधे घंटे के बाद एक और ऑटो मिल गई जो जाने के लिए तैयार थी। क्या हुआ, चलो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दादा। आप टाइम देख रहे, बोले इतना टाइम हो गया मैं नहीं आ पाऊंगा। दो सीन, दोनों ऑटो में बैठे उसके बाद उन्होंने ना बोला है, एक पंचर हो गए और एक टाइम देख के फिर बोल रहे हैं। वाह, ऑटो नहीं मिल रही है यार। हाँ बोला, हाँ गाइस। अरे हमको पता ही नहीं है किस साइड हम, आधे घंटे से इधर ही खड़ा हूँ। इधर जाना है अभी, आगे से राइट मार के जाना है। हाँ तो वही तो नहीं बताते, आधे घंटे के बाद ऑटो मिला एक। सो गाइस, आ चुके हम लोग घर पर, हम दो ही है, वो दोनों आएंगे उनका पता नहीं। सो ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा बोर दिया होगा, थोड़ी सी अच्छा भी लगा होगा, जैसा भी लगा है आपको एक कमेंट कर देना, लॉट्स फॉर मी। सो एक कमेंट कर देना और व्लॉग है यहीं पे एंड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।